In this question, we have to find set of all real values of x satisfying this inequation. तो एक irrational inequality है, इसमें under root term आ रही है. तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि define कब है, meaningful कब है. So if you write domain, x की कौन सी value है जिस केस में ये meaningful है. तो this is x square minus 5x minus 24. This should be greater equal to 0. And it can be factorized very easily. तो नंबर लाइन बनाएंगे तो डोमेन आ गया माइनस इनफिनिटी से माइनस 3, यूनियन 8 टू इन्फिनिटी, राइट. अब स्क्वायरिंग जब ही कर सकते हैं जब एलएचएस आरएचएस दोनों ही नॉन नेगेटिव हो. तो वी कैन ऑब्जर्व इस इंटरवल में आरएचएस इज नेगेटिव, तो इस केस में हम स्क्वायरिंग नहीं कर पाएंगे. इस केस में स्क्वायरिंग कर देंगे क्योंकि दोनों ही तरफ नॉन नेगेटिव आएगा. तो पहले तो मैं केस वन ले लेता हूं, जब डोमेन का मैं ये पार्ट दे रहा हूं, मैंने डोमेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक पार्ट तो माइनस इनफिनिटी से माइनस 3 और दूसरा पार्ट 8 टू इन्फिनिटी. तो फर्स्ट केस में हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से करेंगे. फर्स्ट केस x belongs to minus infinity to minus 3. In that case, LHS is non-negative. While RHS is negative. RHS में minus infinity से minus 3 पे कुछ ही put करेंगे, ये value कैसे आएगी? Negative. तो obviously, LHS हमेशा बड़ा आएगा ही. That means इस सेट में x की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, राइट. तो डोमेन का ये पार्ट माइनस फिटी से माइनस 3, उस केस में सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है. सेकेंड केस ले लेते हैं जब डोमेन 8 से इन्फिनिटी है, सेकेंड पार्ट ऑफ डोमेन. इस केस में RHS भी पॉजिटिव है, LHS भी नॉन नेगेटिव है. वी कैन स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग करने से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. तो यहां से आ जाएगा माइनस 9x, इसको उधर ले जाएंगे 28, राइट. दैट मींस माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस 28 बाई 9, जो कि इस इंटरवल में नहीं आ रहा, यानी कि इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो कंबाइनली वी कैन से दैट एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस 3 इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, जो कि हमको ऑप्शन सी में दे रखा है. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट.